आप वो वर्कशीट के क्वेश्चंस देखो, यहाँ पर मैं आपको उसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। गुज कैट चैप्टर टू देखो, तो आपको जो दिया गया है वर्कशीट, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से पूछा गया है। क्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस आर, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो हमें यहाँ पर एनर्जी ऑफ द सिस्टम फाइंड करना है, ठीक है। सो कंसीडर दैट जूम कंसिडर दैट इनिशियली देर इज नो चार्ज ऑन स्फीयर। ओके, सो इसका मतलब क्यू इज इक्वल टू जीरो। इफ क्यू इज इक्वल टू जीरो देन पोटेंशियल के क्यू बाय आर, मतलब कि पोटेंशियल जीरो। तो इनिशियली चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो। देन चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द स्फीयर। पोटेंशियल हो जाएगा आपके पास वी डैश, दैट इज के क्यू बाय आर। चलो, तो एवरेज पोटेंशियल ये हो जाएगा आपके पास v प्लस v डैश बाई टू, जीरो प्लस के क्यू बाई आर अपॉन टू, यानी के क्यू बाई टू आर। एवरेज पोटेंशियल मिल गया। नाउ पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, दैट इज एवरेज पोटेंशियल इनटू चार्ज क्यू। तो एवरेज पोटेंशियल की वैल्यू आपको पता है के क्यू बाई टू आर इनटू चार्ज क्यू। तो आपके पास वैल्यू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। एनर्जी का वैल्यू हो गया के क्यू स्क्वायर बाई टू आर। तो आपके पास जो आंसर है वो भी हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। एवरीवन, नाउ नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज गिवन टू अस लाइक दिस। चार्जेस 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट ईच ऑफ द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 2√2 मीटर। The potential at the point of interaction of the diagonal is fill in the blank. All right. तो पहले आप question समझ लीजिए, यहाँ पर मैं आपको question समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि concept clear हो जाए हम सब का। देखो, ये आपका square है बच्चों। Okay, everyone, is it clear? ये आपका square है। चले ठीक है, square के पास आपके पास as you all are aware इसके 4 points होते हैं, 4 corners होते हैं, A, B, सी एंड डी। ओके, यहाँ पर आपको ए बी डिस्टेंस
BC डिस्टेंस, CD डिस्टेंस एंड AD डिस्टेंस इक्वल होगा। रीजन है स्क्वायर, स्क्वायर होने की वजह से जितना डिस्टेंस AB का होगा उतना ही BC का होगा, उतना ही CD का होगा और उतना ही AD का होगा। एंड वैल्यू इज गिवन टू अस 2√2। ओके, नाउ डायगोनल पॉइंट की बात करते हैं। तो डायगोनल पॉइंट मतलब A टू C या B टू D आएगा। अच्छा, A टू C अगर डायगोनल पॉइंट है तो उसके लिए आपके पास पाइथागोरस लगेगा। पाइथागोरस का अगर आप अप्लाई करते हैं तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, मतलब AC इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी 2√2 होल स्क्वायर प्लस 2√2 होल स्क्वायर। 2√2 होल स्क्वायर का वैल्यू होता है 8+8, यानी कि √16, यानी कि AC इज इक्वल टू BD दैट इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अच्छा, नाउ हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए, तो सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा O। तो इसका मतलब AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO एंड दैट इज इक्वल टू 4/2, यानी कि 2 होगा। A से C तक का पूरा डिस्टेंस 4 है, तो A से O तक का हाफ डिस्टेंस दैट इज 4/2, यानी कि 2 होगा। एवरीवन क्लियर? अच्छा, A, B, C और D चारों पर चार्ज है, तो टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है। तो A की वजह से चार्ज, ओके, A की वजह से पोटेंशियल, B की वजह से पोटेंशियल, C की वजह से पोटेंशियल एंड D की वजह से पोटेंशियल। अच्छा, सभी पॉइंट्स पर चार्ज की वैल्यू सेम है 1 माइक्रोकूलम और सभी का डिस्टेंस सेम है, A से O का, B से O का, C से O का और D से O का। इसका मतलब कि जो भी पोटेंशियल होगा वो 4 times हो जाएगा। ठीक है एवरीवन, चले तो इसका मतलब B इज इक्वल टू 4 KQ/R, 4 K 9×10⁹, चार्ज है 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶, और R मतलब A से O तक का डिस्टेंस, तो A से O तक का डिस्टेंस है 2। चले 2 से ये 2 हो गया, तो 2×9 यानी 18×10⁻⁹ 9-6 यानी 3, तो आपका आंसर होगा 18×10⁻³ वोल्ट। ऑप्शन, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोलो। क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, नाउ एमसीक्यू नंबर 3। So MCQ number 3 is given us like this: energy of charged capacitor is U. Now it is removed from battery and then it is connected to another uncharged capacitor having the capacitance twice that of the first one. In parallel, the energy of first and second capacitor respectively is fill in the blank. ठीक है, now let me explain case 1. तो केस वन के अंदर आपके पास कुछ इस तरह से, एक कैपेसिटर है, और इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, ओके। तो कैपेसिटर सी और बैटरी को हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है सी वन इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी से दिया जाएगा। क्लियर? और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है यू दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी से दिया जाएगा। ये याद रखना, इन फर्स्ट केस जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई टू सी से दिया जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ठीक है, नाउ अभी हमने केस टू के अंदर बैटरी रिमूव कर दिया। और एक दूसरा कैपेसिटर ऐड कर दिया।
चलो तो यहाँ पर सी वन, यहाँ पर सी टू, सी वन की वैल्यू है सी, सी टू की वैल्यू है टू सी, क्योंकि ट्वाइस आपको पहले ही अंदर क्वेश्चन में दिया हुआ है. नाउ ऑल्सो ऐसा लिखा हुआ है कि सेकेंड कैपेसिटर वॉज अनचार्ज, तो जब अनचार्ज कैपेसिटर को चार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे तो जो चार्ज है वो दोनों के बीच में सेपरेट होगा. चैप्टर नंबर वन में आपको सिखाया गया था जब आपके पास दो स्पीयर है उसमें से एक स्पीयर के पास चार्ज क्यू है, दूसरा स्पीयर चार्ज लेस है, तो अगर इन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाएगा तो हाफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट. पर यहाँ पर आइडेंटिकल कैपेसिटर नहीं है, एक कैपेसिटर सी वन है और दूसरा कैपेसिटर सी टू है जिसकी वैल्यू ट्वाइस है, तो जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा वो फाइंड करने का इक्वेशन क्यू वन इज इक्वल टू क्यू सी वन अपॉन सी वन प्लस सी टू, ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों. तो क्यू सी वन की वैल्यू है सी, सी प्लस टू सी, तो ये हो जाएगा बच्चों आपके पास क्यू सी अपॉन थ्री सी, सी सी गेट कैंसल, तो क्यू वन की वैल्यू हो जाएगी क्यू अपॉन थ्री, ठीक है. चले नाउ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, तो स्टोर पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने का इक्वेशन यू वन इज इक्वल टू क्यू वन स्क्वायर अपॉन टू सी वन. अच्छा क्यू वन की वैल्यू है क्यू बाई थ्री अपॉन टू, सी वन की वैल्यू है सी, तो आपके पास हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन नाइन अपॉन टू सी, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई नाइन इंटू टू सी. अच्छा बच्चों ये देखो आपके पास इक्वेशन वन, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी का वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी का वैल्यू क्या है, यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो क्यू स्क्वायर बाई टू सी है उसका वैल्यू हो जाएगा यू अपॉन नाइन, तो आपके पास यू वन मिल गया. चले उसी तरह से क्यू टू, क्यू टू की वैल्यू हो जाएगी क्यू सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, यानी कि टू सी अपॉन सी प्लस टू सी, यानी कि क्यू टू बाई थ्री, यानी आंसर होगा टू क्यू बाई थ्री. चले अभी इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करना हम फाइंड करेंगे, दैट इज क्यू टू स्क्वायर अपॉन टू सी टू, क्यू टू स्क्वायर की वैल्यू है टू क्यू बाई थ्री होल स्क्वायर अपॉन टू, सी टू का वैल्यू है टू सी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपको पता चल गया होगा सी टू की वैल्यू आपको पहले से ही टू सी दिया हुआ है, तो मैंने सी टू की जगह पर टू सी रखा. अच्छा तो ऊपर हो जाएगा फोर क्यू स्क्वायर बाई नाइन अपॉन टू इंटू टू सी. चलिए ये टू से ये हो जाएगा टू, यानी आपके पास टू क्यू स्क्वायर बाई नाइन इंटू टू सी. अच्छा मुझे क्यू स्क्वायर बाई टू सी चाहिए था इसलिए मैंने इस तरह से स्टेप रखा, तो ये हो गया टू यू बाई नाइन. तो आपके पास जो आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट वन. एवरीबडी क्लियर, बोलो समझ में आ गया सबको, प्लीज एवरीवन से यस और नो. यस ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर आपको कुछ इस तरह से पूछा गया है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज फिल इन द ब्लैंक, ठीक है. ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. ओके अभी इसको मैं प्रूव करके दिखाता हूँ. कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों आपको पता है, आपके पास फॉर्मूला जो होता है दैट Q इज इक्वल टू CV, इसका मतलब C इज इक्वल टू Q अपॉन V, सही यस और नो. बट V इज इक्वल टू W बाय Q, तो इसका मतलब हो गया C इज इक्वल टू Q अपॉन W बाई क्यू. अच्छा तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर बाई W. अभी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जब भी हमें बनाना है तो आपको पता है कि जो क्वांटिटी है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, यानी C को स्क्वायर ब्रैकेट में रखो, Q को हमने फंडामेंटल के तौर पर लिया तो Q स्क्वायर एज इट इज रहेगा. W वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t minus 2,
तो आपका जो कैपेसिटेंस है उसका वैल्यू हो जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी टू क्यू टू, ये आपका आंसर होगा। बोलो सही बात है आपकी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट वन। ठीक है, वापस से एक बार सिखाता हूँ, ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको सबसे पहले इक्वेशन पता होना चाहिए, Q इज इक्वल टू सी वी, जिसके ऊपर से C इज इक्वल टू क्यू अपन V हो गया, बट V है दैट इज W बाई क्यू, ये फॉर्मूला ही है आपको पता होना चाहिए। तो C इज इक्वल टू क्यू अपन, आप रखोगे V की जगह पर W बाई क्यू, तो जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर बाई W। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में सारे क्यू किए क्यू से रिप्रेजेंट किए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मुझे क्यू को फंडामेंटल क्वांटिटी के तौर पर लेना पड़ेगा। सो क्यू का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्यू ही रहेगा। सो मतलब ऊपर क्यू स्क्वायर रखा और नीचे वर्क है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वन एल टू टी माइनस टू रखा। तो मैथेमेटिकल स्टेप आपको पता चल गए होंगे, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पावर माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर होगा। बोलो क्लियर एवरीवन? नाउ लेट मी एक्सप्लेन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रिवेलिंग इन एक्स डायरेक्शन इन सर्टेन रीजन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी क्यू एंड आर आर 0, 0, 2, 0 and 0, 2 रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव्स इज ट्रू फॉर द पोटेंशियल एट दीज पॉइंट्स। ओके, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन। देखो यहाँ पर आपके पास ये वाई एक्सिस हो गया बच्चों, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। अच्छा, अभी यहाँ पर ओरिजिन के पास पॉइंट पी है, यहाँ पर क्यू है, और यहाँ पर आपके पास आर है। अच्छा, पी का जो वैल्यू है वो 0, 0 होगा, क्यू का वैल्यू है वो 2, 0 होगा, और आर का वैल्यू है वो 0, 2 होगा ना। अभी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रिवेलिंग इन एक्स डायरेक्शन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि आप देखो पी पॉइंट पर एक्स वैल्यू 0, आर पॉइंट पर एक्स वैल्यू 0, तो दोनों की वैल्यू 0 होने की वजह से वी पी इज इक्वल टू वी आर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो इसका पोटेंशियल भी सेम होगा, एक्स डिस्टेंस सेम है, पी का पी पॉइंट का भी एक्स डिस्टेंस 0 है, आर पॉइंट का भी एक्स डिस्टेंस 0 है। ओके, नाउ ऑल्सो आप सबको पता है बच्चों दैट वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रपोजनल टू इनवर्सली प्रपोजनल टू आर है, मतलब जितना आर इंक्रीज होगा उतना ही पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ओके, तो क्यू पॉइंट पर एक्स डिस्टेंस है वो 2 है, मतलब कि इंक्रीज हुआ, 0 से बढ़ा, तो 0 से बढ़ा यानी यहाँ पर पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब ये है दैट वी पी इज ग्रेटर देन वी क्यू। बोलो क्लियर है, ऐसा कोई ऑप्शन है? क्लियर एवरीवन? नाउ चले अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। तो एमसीक्यू नंबर 6 हमें कुछ इस तरह से बताया गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी इज प्लेस्ड पैरेलल टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई, On rotating it through 180 degree, the amount of work done is fill in the blank. Okay, चलो बच्चों, तो देखो यहाँ पर as we all aware that U is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2, ऐसे equation होता है। Okay, initially आपको लिखा है कि जो P और E है वो parallel है, so parallel के लिए theta 1 0 होगा, और उसको रोटेट करना है बाय 180 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू पी ई कॉस 0 माइनस कॉस 180 पी ई, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 80 की वैल्यू माइनस 1, तो आपके पास आंसर होगा 2 पी ई। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन। नाउ अभी हम बात करेंगे नंबर 7
सेवन के बारे में। चलो तो क्वेश्चन सेवन आपको कुछ इस तरह से पूछा गया है, 10 आइडेंटिकल स्क्वायर मेटालिक प्लेट्स आर अरेंज्ड एट शोन इन फिगर, लेंथ ऑफ इच प्लेट इज एल, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट वुड बी फिल इन द ब्लैंक। ओके तो आप यहां पर देखो बच्चों, इस तरह से फिगर है। अच्छा, ऊपर जो दो प्लेट है उनके बीच का डिस्टेंस है 3D, यहाँ पर D और वापस से 3D। ओके, आप सबको पता है बेटा कि जो पैरेलल प्लेट्स है उसी की हेल्प से कैपेसिटर बन सकता है। तो बताओ मुझे कौन कौन सी प्लेट यहाँ पर पैरेलल है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9 एंड दिस 10। तो कौन कौन सी प्लेट की हेल्प से आपके पास कैपेसिटर बन सकता है, प्लीज लेट मी नो। तो आप देखो यहाँ पर 1, 2, फिर 5, 6 एंड 9, 10, ये तीन कैपेसिटर बनते हैं विथ हेल्प ऑफ 6 प्लेट। 3, 4 और 7, 8 नंबर की जो प्लेट है वो पैरेलल नहीं है, तो इसकी वजह से कैपेसिटर नहीं बन सकता है। ठीक है, चले C1 का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय 3D, क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस है 3D। अच्छा, यहाँ पर स्क्वायर प्लेट बोला है तो इसका एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा। चले C2 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, यानी कि एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय डी। उसी तरह से मैं बात करता हूँ C3 के लिए, तो C3 का वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन 3D, यानी कि एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर अपॉन 3D। अच्छा, C1, C2 और C3 एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्शंस में है, हियर C1, C2 एंड C3 कनेक्टेड इन पैरेलल कनेक्शन। चले तो पैरेलल कनेक्शन में होने की वजह से CP = C1 + C2 + C3 हो जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय 3D, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय डी, एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय 3D। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय डी कॉमन निकाल दूँ तो 1/3 + 1 + 1/3, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय डी। 3 LCM लेंगे तो 1 + 3 + 1, यानी कि 5 एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर बाय 3D, ऑप्शन बी।
नंबर एट, ठीक है. ऑन द एक्सिस एंड ऑन द इक्वेटर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर ऑल पॉइंट्स फिल इन द ब्लैंक्स. अच्छा, डाइपोल के लिए पोटेंशियल का फॉर्मूला केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होगा. ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. ओके चले, आप सब लोग जानते हैं फॉर एक्सिस जो एंगल थीटा होता है वो जीरो होगा. ओके, और फॉर इक्वेटर थीटा होता है वो 90 डिग्री होगा. तो इसका मतलब वी एक्सिस पोटेंशियल की वैल्यू एक्सिस पर नॉट इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि कॉस जीरो है. कॉस जीरो मतलब वन, तो यहाँ पर पोटेंशियल आपको मिलेगा, यानी नॉट इक्वल टू जीरो. एंड इक्वेटर पर बात करता हूँ मैं, तो इक्वेटर के लिए वैल्यू हो जाएगा जीरो, क्योंकि थीटा 90 है, तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो, यानी इक्वेटर पर आपका आंसर होगा जीरो. तो ये ऑप्शन होगा आपके पास दिल्ली. नाउ अच्छा, यहाँ पर जो नंबर 9 और नंबर 10 है वो डिलीटेड पोर्शन के क्वेश्चन है, इसलिए हम उसको नहीं सॉल्व कर रहे. चले, हम चले जाएंगे नंबर 11 के ऊपर. अच्छा, तो नंबर 11 में हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया गया है. ये आपका पॉइंट ए, ये आपका पॉइंट बी. अच्छा, यहाँ पर डिस्टेंस 2d, यहाँ पर डिस्टेंस b, और यहाँ पर डिस्टेंस 2d. नंबर ऑफ प्लेट्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स है 4. तो यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ 4 प्लेट्स आप 3 कैपेसिटर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 4 प्लेट्स. ओके चले, ठीक है ना. तो अभी इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखते हैं हम. चले, इसका कन्वर्जन देख लेते हैं बच्चों हम. देखिए, यहां पर भी आपके पास 3 कैपेसिटर्स फॉर्म हो रहे हैं. ओके, आप देखो ये 1 और 3 नंबर की प्लेट के साथ 2 कॉमन होगा, और 2 एंड 4 के साथ 3 कॉमन होगा, यानी कि यहाँ पर 3 कैपेसिटर बन रहे.
अच्छा सी वन का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू डी, सी टू का वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और सी थ्री का वैल्यू होगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू डी। अच्छा तीनों पैरेलल में होने की वजह से आपके पास सी पी हो जाएगा सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टू डी। अच्छा तो आप एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी कॉमन निकालोगे, वन बाई टू प्लस वन प्लस वन बाई टू। तो इसकी हेल्प से आप देखोगे कि आपका जो आंसर है वो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी और टू, यानी टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ऑप्शन सी। चले नंबर ट्वेल्व। तो नंबर ट्वेल्व क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से दिया है, ये मूविंग पॉजिटिव चार्ज अप्रोचेस अ नेगेटिव चार्ज, व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये क्वेश्चन की आप नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँ, ठीक है, तो आप सबको पता है इफ क्यू वन क्यू टू लेस देन जीरो देन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। अच्छा क्यू वन क्यू टू लेस देन कब जीरो होगा, जब दोनों अनलाइक चार्जेस है, दोनों अनलाइक चार्जेस के लिए क्यू वन क्यू टू लेस देन जीरो होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो आपका ऑप्शन बनेगा बी। नाउ एमसीक्यू नंबर 13, ठीक है, वो भी पोलराइजेशन का है तो उसको हमें नहीं बात करनी है, एमसीक्यू नंबर 14 पर डिस्कशन करेंगे हम। तो नंबर 14 हमें कुछ इस तरह से दिया गया है, इफ रिलेटिव परमिटिविटी फॉर एनी सब्सटेंस इज 80 देन इट्स इट्स इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी इज फिल इन द ब्लैंक। ओके, ये ससेप्टिबिलिटी वाला भी आपको कैंसल टॉपिक में से है, पर आपको सीखना है तो मैं सिखा सकता हूँ, ठीक है। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर दैट इज कैपिटल के बोलते हैं, तो कैपिटल के की वैल्यू आपके पास है 80। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा के इज इक्वल टू वन प्लस काई, ठीक है, तो काई फाइंड करना है आपको, तो दैट इज के माइनस वन, के माइनस वन अगर हम देते तो 80 माइनस वन यानी आंसर होगा 79, दैट इज ऑप्शन सी। नंबर 15 की बात करते हैं हम, 2 माइक्रो फैराडे कैपेसिटर इज कनेक्टेड विथ 50 वोल्ट सी वन 2 माइक्रो फैराडे, वी वन आपको दिया है 50 वोल्ट, ओके, और सी टू आपको दिया हुआ है 3 माइक्रो फैराडे, बी टू आपको दिया है 100 वोल्ट। चले नाउ इसका कॉमन पोटेंशियल फाइंड करना है, तो बच्चों ये जो कॉमन पोटेंशियल है उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, कॉमन पोटेंशियल फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, वी कॉमन इज इक्वल टू सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू, ठीक है। चले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 2 प्लस 3 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। चले तो ऊपर हो जाएगा आपके पास बच्चों 100 300 10 रेस टू माइनस 6 दोनों में से कॉमन निकाल लो आप, नीचे हो जाएगा 5 10 रेस टू माइनस 6 कॉमन, चलो 10 रेस टू माइनस 6 कैंसिल हो गया, तो V कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास 400 अपॉन 5। अच्छा 400 अपॉन 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 80 वोल्ट, तो कॉमन पोटेंशियल कितना मिलेगा आपको बच्चों, 80 वोल्ट मिलेगा, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ
नंबर 16, वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ फॉर एयर इज फिल इन द ब्लैंक, ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो इसका वैल्यू होता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, ये आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है नंबर 17। अच्छा, द कैपेसिटर ऑफ 2 pF, 3 pF एंड 4 pF, 2 pF, 3 pF, 4 pF कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए सीपी इज इक्वल टू C1, C2, C3, 2 + 3 + 4 यानी कि 9 pF। ऑप्शन ए, मुझे लगता है आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछने चाहिए तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्या बोलते हैं सब लोग? ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज फिल इन द ब्लैंक। अच्छा, ये भी आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। नॉर्मल, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है, नाउ नंबर 19 की बात करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ वैक्यूम इज 5 μF, C0 5 μF। If a dielectric slab with K is equal to 1.5 is inserted between the plates, capacitance will be equal to fill in the blank. Okay. So, when dielectric slab is inserted, then न्यू कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू के सी जीरो, के की वैल्यू 1.5, सी जीरो 5, तो ये हो जाएगा 7.5 μF। ऑप्शन सी इज करेक्ट वन। चले नाउ नंबर 20, फिल इन द ब्लैंक मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा, एरिया फाइंड करना है। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपको दिया है 8.85 μF और दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन दिया है 1 mm। चले, तो आपके पास फॉर्मूला होगा यहाँ पर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, दैट मीन्स A is equal to CD by epsilon naught. C की वैल्यू 8.85 × 10⁻¹2, सॉरी C है तो दैट इज −6 μF into एरिया, अच्छा सॉरी डिस्प्लेसमेंट 10⁻³ upon epsilon naught 8.85 × 10⁻¹2, तो 8.85 कैंसिल हो गया। A 10⁻⁹ + 12 यानी कि 10⁻³ m². करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। एमसीक्यू नंबर 21, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एंगल थीटा हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो एज वी नो, ये भी आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। यू
is equal to minus PE cos theta. Okay. For minimum value. Cos theta equal to 1 होना चाहिए. अगर cos theta 1 होगा तो ही आपका आंसर minus PE होगा. तो minus PE is the smallest value of potential energy. So minimum लाने के लिए theta cos theta की value 1 होना चाहिए. अच्छा अगर cos theta 1 है तो इसका मतलब theta 0 होना चाहिए. तो option आपके पास हो जाएगा A. Now number 22. Which of the following quantity has unit similar to the electrical energy density? ठीक है देखो बच्चों, तो ये भी वैसे तो knowledge based question ही है, ओके. तो यहाँ पर आपके पास ठीक है एनर्जी डेंसिटी पूछा गया है. इट इज डिनोटेड बाय रो, दैट इज एनर्जी बाय वॉल्यूम. ओके चले. तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम वन एल टू टी माइनस टू, और वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L3. तो M1 L माइनस वन T माइनस टू, ये आपका करेक्ट आंसर है डेंसिटी रो का. और प्रेशर P का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T माइनस टू. तो इसका मतलब जो डायमेंशंस है वो एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर के सेम होंगे. तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रेशर. ऑप्शन सी इज करेक्ट वन. ठीक है नाउ चले एमसीक्यू नंबर 23. कैपेसिटर ऑफ 40 माइक्रोफेराडे चार्ज अप टू 3000 वोल्ट इन डिफाइब्रिलेटर. डिफाइब्रिलेटर क्या होता है बच्चों? तो आपको पता है जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो उसको बचाने के लिए जो डॉक्टर वो आयन जैसी इंस्ट्रूमेंट है, पता है वो ऐसे ह्यूमन चेस्ट पर रखा जाता है आयन जैसी, तो उसको डिफाइब्रिलेटर बोला जाता है बेटा. तो डिफाइब्रिलेटर के अंदर हमने 3000 वोल्टेज दिया हुआ है. स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर सप्लाइज पल्स टू पेशेंट इन 2 मिलीसेकंड. टी है 2 मिलीसेकंड. पावर फाइंड करना है. ओके तो देखो यहाँ पर सबसे पहले आप पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे 1/2 C1 V2. अच्छा C1 V2, V मतलब 3 × 10³² तो ये यहाँ पर हो जाएगा 29. तो ये हो जाएगा 20 × 9 180. नाउ पावर पी इज इक्वल टू यू बाई टी. अच्छा यू 180 और टाइम है 2 मिलीसेकंड. तो 180 का हो जाएगा 90 और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3, यानी आपका आंसर होगा 90 किलो वॉट. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट वन. चले नंबर 24. तो अभी आपके पास क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिया है पोटेंशियल ऑफ क्लाउड्स विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 × 10⁶ वोल्ट. 4 × 10⁶ वोल्ट. इलेक्ट्रिसिटी कमिंग फ्रॉम इट इंसिडेंट टू ग्राउंड 4. अच्छा यहाँ पर टाइम आप 100 मिलीसेकंड लेना एंड ब्रिंग्स 4 कूलम चार्ज.
on ground, what should be the power of incident electricity? अच्छा तो पहले तो potential energy U is equal to 1 by 2 Q into V, 1 by 2, charge Q है 4 और V 4 into 10 raised to 6, चले तो ये हो जाएगा 4 into 2 मतलब 8 into 10 raised to 6 joule. Now power, P is equal to U upon T, U है 8 into 10 raised to 6 upon 100 into 10 raised to minus 3, तो बचेगा कितना बच्चों, नीचे बचेगा कितना 10 raised to minus 1 बचेगा, ऊपर जाएगा तो plus 1, यानी ये हो जाएगा 80 into 10 raised to 6, यानी कि 80 megawatt. Option B is correct one. Now MCQ number 25. Okay. 5 capacitors. देखो यहाँ पर आपके पास 5 capacitors. तो यहां पर आपके पास पॉइंट है P Q R S and T, ये भी C, ये भी C, ये भी C और ये भी C, सही है, ठीक है. आपको क्या पूछा है बच्चों कि CPR upon CPQ कितना होगा बताइए. ओके तो मैं सबसे पहले बच्चों आपको CPR फाइंड करना सिखाता हूँ. देखो तो अगर आपको P से R जाना है, समझो मेरे बात, P से R जाना है तो आपके पास दो अलग अलग रास्ते हैं. आप P से T से S से होते हुए R जाओ, ये एक रास्ता, इसका मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटर है C, C और C तीनों सीरीज में चले जाएंगे, तो इसकी वजह से आपको जो सी डैश मिलेगा वो सी बाई थ्री होगा. सेम उसी तरह से पी से क्यू से आर पर जा सकते हैं, तो यहाँ पर भी दो कैपेसिटर है, तो इसकी भी वैल्यू सीरीज में होने की वजह से सी बाई टू हो जाएगा. यानी कि अभी ये सी डैश और सी डबल डैश एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्ट होगा, तो पैरेलली कनेक्ट होने की वजह से सी पी आर हो जाएगा सी डैश प्लस सी डबल डैश, दैट इज सी बाई थ्री प्लस सी बाई टू, यानी हो जाएगा 5C by 6. ओके चले नाउ अभी मैं बात करता हूं आपको P और Q के लिए. तो आप जानते हो कि P और Q के लिए अगर हम जा रहे हैं तो हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं, एक P से T से S से R से Q पर जाओ या एक सीधा ही P से Q पर चले जाओ. तो इसका मतलब यहाँ पर जो कैपेसिटर है C, C, C और C, ये चारों एक दूसरे के साथ सीरीज में होंगे, तो सीरीज के लिए यहाँ पर P टू Q, तो इसके लिए C डैश होगा आपके पास C by 4, क्योंकि चार कैपेसिटर है
और सी डबल डैश उसकी वैल्यू तो सी ही रहने वाली है, तो सी पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी सी डैश प्लस सी डबल डैश यानी कि सी बाई फोर प्लस सी यानी कि फाइव सी बाई फोर। चले तो अभी आपको सी पी आर अपॉन सी पी क्यू फाइन करना है, तो सी पी आर अपॉन सी पी क्यू वैल्यू है फाइव सी बाई सिक्स अपॉन फाइव सी बाई फोर, फाइव सी गेट कैंसर फोर बाई सिक्स यानी कि टू बाई थ्री। तो आपका ऑप्शन होगा सी फॉर चेन्नई। बोलो क्लियर है एवरीवन? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर टू में से पूछे जाएंगे फॉर योर गुजकेट एग्जाम। आई होप सबको इजीली समझ में आएंगे। बाय टुडे इवनिंग आपको एक और वर्कशीट शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है, जो कि आपको सॉल्व करना है। और वेरी सून विद इन वन और टू डेज मैं आपके साथ ऑनलाइन एग्जाम का भी एक शेयर कर दूंगा, जिसमें आपकी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स ली जाएगी और वो आपको कंपलसरी देनी है। ठीक है एवरीवन?